हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास और अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बता देती हूं कि मेरे इस चैनल पर आपको क्लास इलेवेंथ ट्वेल्थ बीबीए बी और एम के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं उनकी सीक्वेंस में कम्प्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में हर इम्पोर्टेंट टॉपिक विद नोट्स एंड नुमेरिकल कवर किया है तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से पढ़ना शुरू करिए राइट और अपने फ्रेंड्स के मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये जो लेक्चर है मेरे चैनल का सौवा लेक्चर है सौवा वीडियो है हंड्रेड वीडियो ऑफ माई चैनल मैंने एक से शुरुआत की थी और देखते ही देखते कुछ महीनों में मैं हंड्रेड वीडियो पे पहुंच गई हूँ और ये सब पॉसिबल हो पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट तो इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए राइट चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं आज मैंने बहुत बातें कर ली हैं अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉस्टीट वन ऑफ़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग जो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा पेपर है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट शीट ठीक है तो चलिए डिटेल में देखते हैं आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉस्ट शीट क्या होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है उसके बाद हम कुछ कॉस्ट के कंपोनेंट के बारे में देखेंगे cost के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बाद हम का फॉर्मेट देखेंगे परफॉर्मर देखेंगे और उसी पे बेस्ड एक करेंगे राइट right? और एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ये जो नीचे छोटी सी बेल है इसको भी प्रेस करिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो राइट तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट सबसे पहले तो कॉस्ट शीट होती क्या है देखिए हमारा जो पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग जब मैंने फर्स्ट लेक्चर जो था जिसमें इंट्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जो हमारा पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग उसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कॉस्ट को डिटरमाइन करना ठीक है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट किसी भी प्रोसेस की कॉस्ट किसी भी सर्विस की कॉस्ट ठीक है किसी भी जॉब की कॉस्ट को डिटरमाइन करना बट सवाल ये आता है कि कैसे डिटरमाइन करेंगे कॉस्ट डिटरमाइन करना ये तो समझ में आ गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है बट कॉस्ट फाइंड आउट कैसे करेंगे तो दिस इज द आंसर विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट क्या है कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जिसकी मदद से वी कैन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ एनी एनी सर्विस जॉब प्रोसेस ठीक है तो कॉस्ट शीट ही इसका जवाब है तो कॉस्ट शीट क्या है कॉस्ट शीट जितने भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़ चुके हैं हम जानते हैं कौन कौन से एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं मटेरियल लेबर और एक्सपेंसेस तो जितने भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है जब उनको एक में, में एक स्टेटमेंट के फॉर्म हम शो करते हैं और उनसे हम डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट शीट उसी फॉर्मेट को कहा जाता है कॉस्ट शीट ठीक है एक और है कॉस्ट शीट की कि इट इज अ डॉक्यूमेंट ये एक डॉक्यूमेंट है विच प्रोवाइड फॉर द असेंबली ऑफ एस्टिमेटेड डिटेल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी खर्चे हो रहे हैं जितने भी टाइप के खर्चे हो रहे हैं जितने भी टाइप की कॉस्ट इनकर हो रही है उनको कलेक्ट करना और एक सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट करना स्टेटमेंट के फॉर्म में दिस इज कॉस्ट शीट ये कॉस्ट शीट होती है ठीक है चलिए आगे देखते हैं कॉस्ट शीट की इंपॉर्टेंस क्या है कॉस्ट शीट क्यों जरूरी है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो अभी मैंने बताया कॉस्ट शीट से हम क्या कर सकते हैं कॉस्ट को असर्टेन कर सकते हैं कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है चाहे टोटल कॉस्ट चाहे पर यूनिट कॉस्ट यानी एक प्रोडक्ट बनने में कितना खर्चा आ रहा है या टोटल कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन की अलग-अलग स्टेजेस -अलग होती है ठीक है तो डिफरेंट स्टेजेस तक कितना खर्चा आया वो कॉस्ट शीट में हम डिटेल में शो करते हैं ठीक है मटेरियल में कितना खर्चा आया लेबर में कितना खर्चा आया ये सारी चीजें हम डिटेल में कॉस्ट शीट में शो करते हैं तो उससे कॉस्ट डिटरमाइन होती है और उससे जो टॉप मैनेजमेंट है वो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाते हैं क्योंकि जब आप डिटेल में कॉस्ट देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके कहाँ पे कितना कितना खर्चा हो रहा है तो उन खर्चों को देख करके जो टॉप मैनेजमेंट है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है वो आगे चल के हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है कॉस्ट शीट की दैट इज कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट एक कंपेरिटिव कॉस्ट शीट भी बनती है जो कंपैरेटिव कॉस्ट शीट होती है उसमें क्या होता है जैसे एक कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स का फिर जो अमाउंट का कॉलम होगा इसमें आप साइड बाय साइड दो इयर्स दो या दो से ज्यादा इयर्स के डेटा आप शो करते हैं ठीक है जैसे हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़ी थी ना वैसे ही कंपैरेटिव कॉस्ट शीट भी बनती है जैसे यहां पे 2020 का डाटा 2020 का डाटा और साइड में इसके 2021 का डाटा ऐसे साइड बाय साइड रख के भी क्वेश्चन बनाई जाती है जिसे हम कंपैरेटिव क्वेश्चन कहते हैं ठीक है तो अगर आप कंपैरेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो उससे क्या है आपने साइड बाय साइड दो इयर्स के फिगर आप कंपेयर कर पाते हैं ठीक है आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैं उनमें लास्ट ईयर कितना खर्चा हुआ था इस ईयर कितना खर्चा हुआ है तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है जिनकी कॉस्ट इस साल बहुत बढ़ गई ठीक है तो आप कॉस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं ठीक है आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो कंट्रोल करेंगे कौन कौन से खर्चे थे जो लिमिट के बाहर चले गए इस साल ठीक है लास्ट ईयर कम थे लेकिन इस साल ज्यादा हो गए तो जब तक तो पता नहीं रहेगा तब तक कंट्रोल कैसे करेंगे ठीक तो है है तो कंट्रोलिंग में में हेल्प करती करने कि कौन सा खर्चा लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल ज्यादा हो गया तो कॉस्ट शीट ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट ठीक है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है कॉस्ट शीट की दैट इज फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस जब तक कॉस्ट नहीं पता रहेगी तब तक सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करेंगे ठीक है जब तक आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं पता रहेगी कि आपका प्रोडक्ट कितने में बना जब तक ये नहीं पता रहेगा सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करेंगे आपको अगर ये नहीं पता कि आपकी पेन पांच रुपए में बनी है आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हम अपनी पेन को दस रुपए में बेचेंगे मार्केट में ठीक है तो कॉस्ट शीट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉस्ट शीट से हमें पता चलती है कॉस्ट और कॉस्ट को देख कर ही तो हम अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं हम कॉस्ट में क्या लगाते हैं कॉस्ट में जोड़ते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन हम अपना मार्जिन जोड़ते हैं और फिर निकलती है सेलिंग प्राइस ठीक है है बात समझ में आ रही है ना कोई पेन है वो पांच रुपए में बनी फिर जो कंपनी है उसने अपना 5 का प्रॉफिट ऐड किया तब जाके वो पेन मार्केट में कितने में बिक रही दस रुपए में बिक रही है ठीक है ठीके? तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट शीट फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस फिक्स करने में मदद करता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा एक बात अः Uh, एक मेरा लेक्चर है जिसमें मैंने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है कॉस्ट शीट पढ़ने से पहले ठीक है वो जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि कॉस्ट शीट में हम जितने भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैं उन्हीं को तो रिप्रेजेंट करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में और प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो जब तक आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट नहीं पता रहेगा तब तक आपको कॉस्ट शीट बनाने में दिक्कत आ सकती है तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप अगर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट वाला जो मेरा वीडियो है वो अगर देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बट चलिए मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में क्योंकि अगर समय नहीं है ठीक है आप अगर वो वीडियो अभी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और हम आगे बढ़ रहे हैं अदरवाइज डिटेल में देखना है तो आप वो वीडियोस देखिए ठीक है तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मैंने बताया था तीन होते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कौन कौन से मटेरियल लेबर और एक्सपेंस ठीक है फिर हमने मटेरियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था कौन कौन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट ठीक है लेबर भी दो टाइप के हैं कौन कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और एक्सपेंसेस भी इसी तरीके से दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ठीक तो है element of cost. तो यही है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट तो देखिए जितना भी डायरेक्ट मटेरियल है डायरेक्ट लेबर है डायरेक्ट एक्सपेंस है ठीक है ये मैंने एक जगह लिखा है और जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल है जितना भी इनडायरेक्ट लेबर है जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इनको एक जगह लिखा गया है ठीक है और उसी वीडियो में मैंने ओवरहेड के बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया था ओवरहेड क्या होता है ओवरहेड इज द सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ओवरहेड क्या होता है ओवरहेड इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंस का सम होता है ठीक है है और जितना डायरेक्ट पार्ट उसको मैंने यहां पे लिखा है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस ठीक है और ओवरहेड क्या है ओवरहेड जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उनका सम होता है ओवरहेड फिर मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि ओवरहेड को तीन ओवरहेड जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं कौन कौन से फैक्ट्री ओवरहेड ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को आप तीन डिवीजन उसके कर सकते हैं एक तो फैक्ट्री जहां प्रोडक्शन होता है दूसरा ऑफिस जहां पेपर वर्क पॉलिसी बनाई जाती है जहां प्लानिंग की जाती है दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जहां से सामान बिकता है ठीक है तो उसी के बेसिस पे ओवरहेड तीन टाइप के हैं कौन कौन से फैक्ट्री ओवरहेड ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ठीक है अब अगर फैक्ट्री ओवरहेड की बात की जा रही है यानी फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसी अगर ऑफिस ओवरहेड मतलब ऑफिस में यूज होने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफिस में जो इनडायरेक्ट लेबर है इनडायरेक्ट जो इम्प्लॉइज हैं ठीक है गे? जो प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो ऑफिस में सिचुएटेड है ठीक है और फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सेलिंग का इनडायरेक्ट मटेरियल सेलिंग का इनडायरेक्ट लेबर

जो क्लियरली विजिबल है फाइनल प्रोडक्ट में उनको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल ठीक है material, तो फर्नीचर बनने में क्या क्या यूज हो रहा है लकड़ी यूज हो रही होगी वुडन प्लैंक यूज हो रहे होंगे सनमाई का यूज हो रहा होगा पेंट यूज हो रहा होगा तो वो सब क्या है डायरेक्ट मटेरियल ठीक है और फर्नीचर बनाने में जो लेबर उसपे डायरेक्टली काम कर रहा है ठीक है उसको जो वेजेस दे रहे हैं वो क्या होगा डायरेक्ट लेबर ठीक है तो डायरेक्ट लेबर क्या है जो कारपेंटर काम कर रहा है उसको जो वेजेस दे रहे हैं वो हो गया डायरेक्ट लेबर फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंस तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है सपोज करिए वो जो फर्नीचर बन रहा है उसको बनाने में कुछ स्पेशल मशीनरी यूज की जा रही है ठीक है और उस मशीनरी का जो भी रेंट होगा ना दैट विल बी डायरेक्ट एक्सपेंस ठीक है तो डायरेक्ट एक्सपेंस बेसिकली क्या होता है मटेरियल और लेबर को छोड़ के जितने भी खर्चे हैं जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है ना वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ठीक है तो समझ में आ गया सारे डायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं अब जरा मैं इनडायरेक्ट मटेरियल बता देती हूँ तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है कि मेन प्रोडक्ट को छोड़कर फैक्ट्री में ऑफिस में और भी तो कितने सारे प्रोडक्ट होंगे ठीक है वहां पर ऑयल यूज हो रहा होगा मशीनरी यूज हो रही होगी जिसमें ऑयल ग्रीस ब्रूम ब्रश स्टेशनरी के आइटम बहुत सारी चीजें यूज हो रही होंगी तो वो सब किस में जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल ठीक है इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है इनडायरेक्ट लेबर मतलब जैसे उस फैक्ट्री में जहाँ पे आपकी फर्नीचर की फैक्ट्री है वहां पे उस मेन कारपेंटर को छोड़ के और भी तो कितने सारे लेबर होंगे वहां पे वॉचमैन होगा गार्ड होगा कैंटीन का पर्सन होगा एक मैनेजर होगा ठीक है जो सारी चीजें मैनेज कर रहा होगा एक सुपरवाइजर होगा तो इन सब की जो वेजेस है वो किस में जाएगी इनडायरेक्ट लेबर में उसके बाद आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस ठीक है इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कि इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर को छोड़ के जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो सब इसमें आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जैसे रेंट हुआ फैक्ट्री का कुछ रेंट जा रहा होगा कुछ इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस जा रहे होंगे आपने कुछ टैक्स पे किया होगा कुछ uh, कुछ इंश्योरेंस कराया होगा वो सब किस में जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ठीक है तो ये थे सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंस एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया ठीक है अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब मुझे लगता है कि अब आपका कॉन्सेप्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा शॉर्ट में ठीक है अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं मेन कॉस्ट शीट पे आने से पहले हमें कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट जानना बहुत जरूरी है ठीक है तो चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं फोर मेन कंपोनेंट्स होते हैं सबसे पहला क्या है सबसे पहला है है प्राइम कॉस्ट ठीक सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट है कॉस्ट का दैट इज प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट के दूसरे नाम भी हैं इसे बेसिक कॉस्ट भी कहते हैं फर्स्ट कॉस्ट भी कहते हैं फ्लैट कॉस्ट भी कहते हैं मैं इनके बाकी नाम भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है व्हाट इज बेसिक कॉस्ट ठीक है तो आपको प्राइम कॉस्ट तो पता है बट आपको बेसिक कॉस्ट तो आप जान नहीं है तो इसलिए भी डायरेक्ट कॉस्ट है यानी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस इनका जो सम होता है ना दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट ठीक है देखिए किसी भी प्रोडक्ट को बनने में जो मेन एक्सपेंस आता है ना जो मेन कॉस्ट इनकर होती है वो डायरेक्ट कॉस्ट ही होती है ठीक है चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं ना वही मेन खर्चे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनने में इसीलिए उनको कहा गया है प्राइम या बेसिक या फर्स्ट कॉस्ट ठीक है तो प्राइम कॉस्ट क्या है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस का सम है नेक्स्ट इज फैक्ट्री कॉस्ट दूसरा जो मेन कंपोनेंट है कॉस्ट का दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट ठीक है फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क कॉस्ट भी कहा जाता है फैक्ट्री कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहा जाता है फैक्ट्री कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहा जाता है ठीक है फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है फैक्ट्री कॉस्ट इज आपने अभी ऊपर प्राइम कॉस्ट निकाली थी ना तो प्राइम कॉस्ट में अब आप ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड ठीक है प्राइम कॉस्ट में जो अभी आपने ऊपर निकाला था उसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में यूज होने वाला इनडायरेक्ट लेबर जो है फैक्ट्री के और फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनको आप जोड़ेंगे प्राइम कॉस्ट में तो आपका आएगा फैक्ट्री कॉस्ट ठीक है दिस इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट थर्ड कॉम्पोनेंट क्या है ऑफिस कॉस्ट ऑफिस कॉस्ट कही चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहिए चाहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहिए ठीक है थीके? ऑफिस कॉस्ट क्या होती है अभी आपने ऊपर फैक्ट्री कॉस्ट निकाला है ना ठीक है तो फैक्ट्री कॉस्ट में आप क्या जोड़ेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड जोड़ेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड मतलब क्या होता है कि ऑफिस का इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफिस का इनडायरेक्ट लेबर एंड ऑफिस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन तीनों का जो सम होता है दैट इज ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड उसमें जोड़ेंगे फैक्ट्री कॉस्ट जो अभी आपने ऊपर निकाला है तो आपका आएगा ऑफिस कॉस्ट ठीक है तो ये था तीसरा कंपोनेंट चौथा कंपोनेंट क्या है टोटल कॉस्ट या जिसको कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट तो कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट है या कह लीजिए कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये कैसे निकलेगा इसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड जो गुड्स सोल्ड हुए हैं जो गुड्स बिके हैं ठीक है उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें आप जोड़ेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ठीक है ये बात समझ रहे हैं जो भी गुड्स सोल्ड हुए हैं ऐसा तो नहीं है कि जितने भी गुड्स फैक्ट्री में बनाए गए सारे के सारे बिक जाए ऐसा तो नहीं है ना तो कुछ बच भी जाएंगे बट यहाँ पे हम उन्हीं गुड्स को कंसीडर करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड वो गुड जो बिके हैं उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जोड़ेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो आपका आएगा टोटल कॉस्ट ठीक है तो ये चार मेन कंपोनेंट है कॉस्ट के चलिए शॉर्ट में जल्दी से मैं आपको एक बार रिवाइज करवाती हूँ सबसे पहला मैंने क्या बताया प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट क्या है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस का सम ठीक है अगला मैंने कौन सा बताया वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट ये क्या होता है प्राइम कॉस्ट जो अभी आपने ऊपर निकाला था ठीक है प्राइम कॉस्ट में आप एड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड या जैसे वर्क ओवरहेड भी कहते हैं ठीक है ये आ गया सेकेंड कंपोनेंट तीसरा कंपोनेंट क्या है आपने ये जो वर्क कॉस्ट ऊपर निकाली है या जैसे फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं आप इसमें क्या जोड़ेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड जोड़ेंगे ठीक है देखिए पहले आता है पहले क्या आता है पहले आता है फैक्ट्री जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उसके बाद क्या आता है ऑफिस ठीक है जहा पेपर वर्क बन रहा है पेपर वर्क हो रहा है पॉलिसी बनाई जा रही है ठीक है और उसके बाद आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जहां से सामान बिक रहा है तो ये एक सीक्वेंस है सबसे पहले फैक्ट्री उसके बाद ऑफिस उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है पहले प्रोडक्ट बन रहा होगा उसके बाद उसका पेपर वर्क होगा और उसके बाद वो सामान बेचा जाएगा ठीक है तो जो तीसरा कंपोनेंट है वो क्या है ऑफिस कॉस्ट ऑफिस कॉस्ट क्या होगी फैक्ट्री में आप जोड़ेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ठीक है और उसके बाद चौथा कंपोनेंट क्या है ऑफिस कॉस्ट में आप जोड़ेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या कह लीजिए टोटल कॉस्ट ठीक है तो इस तरीके से ये चार कंपोनेंट होते हैं अब हमारे लिए अगर आपको ये कंपोनेंट समझ में आ गए हैं तो अब हमारे लिए क्वेश्ची बनाना बहुत आसान हो गया है तो चलिए आप क्वास्टशीट बनाना शुरू करते हैं दिस इज द फॉर्मेट ऑफ क्वास्टशीट ये परफॉर्मा है क्वास्ट शीट का सिंपली एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का एक कॉलम होगा अमाउंट का अमाउंट को मैंने यहाँ पे दो उसमें डिवाइड किया है एक टोटल अमाउंट एक पर यूनिट पर यूनिट कॉस्ट है ठीक है चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले में मैंने बताया था डायरेक्ट जितने खर्चे हैं डायरेक्ट जितनी कॉस्ट है वो मेन खर्चे होते हैं तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट मटेरियल जो भी कंज्यूम हुआ है प्रोडक्ट को बनाने में वो अगर डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है बट जनरली नहीं दिया होता है ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको कुछ ओपनिंग स्टॉक परचेज क्लोजिंग स्टॉक ये दिया रहेगा ठीक है डायरेक्ट मटेरियल दिया है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे बट नहीं दिया है आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिए हैं तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले आप रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्ट मटेरियल जो भी कंज्यूम हुआ है प्रोडक्ट को बनाने में तो अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक दिया है तो आप लिखेंगे और अगर आपने कुछ परचेजिंग की है तो परचेजिंग को ऐड किया जाता है ना तो ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो आपका नेट में आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है उसे आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे ठीक है फिर अगला क्या रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्ट लेबर जो भी लेबर प्रोडक्ट को बना रहा है उस पर डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसका उसकी जो वेजेस है उसको रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद चार्जेबल एक्सपेंसेस लिखा गया है मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी डायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं मटेरियल और लेबर के अलावा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ठीक है फिर हम जानते हैं तीनों का सम क्या होता है प्राइम कॉस्ट तो यहाँ पे आ गया प्राइम कॉस्ट इसको हम रिकॉर्ड करेंगे फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे वर्क ओवरहेड वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड ठीक है तो फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो क्या आएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट ठीक है क्या आएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे अब नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस अगर क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो प्रोडक्ट जो अभी हाफ फिनिश है उनपे अभी कुछ काम करना बाकी है अगर उनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो आप क्या करेंगे ये जो ग्रॉस वर्क कॉस्ट आपने निकाली है उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एड करेंगे और क्लोजिंग को माइनस करेंगे तब जाके आपका आएगा नेट वर्क कॉस्ट ठीक है ये बात समझ में आई अगर वर्क एंड प्रोग्रेस के बारे में डिटेल दी है ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो आप पहले निक, पहले जो वर्क कॉस्ट आएगी दैट विल बी ग्रॉस वर्क कॉस्ट वो ग्रॉस वर्क कॉस्ट होगी नेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ओपनिंग को ऐड करिए और क्लोजिंग को माइनस करिए तब आपका आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट या जिसे वर्क कॉस्ट भी कहते हैं ठीक है और अगर वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो बहुत अच्छी बात है आप सीधे आपका जो वर्क कॉस्ट आएगा दैट विल बी नेटवर्क कॉस्ट वो नेटवर्क होगा ऑटोमेटिकली ठीक है बट अगर वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में दिया है तो आपको ओपनिंग को एड करना पड़ेगा और क्लोजिंग को माइनस करना पड़ेगा ठीक है तो आपका आ गया अब नेटवर्क कॉस्ट यहाँ तक आ गया ठीक है इसके बाद क्या करेंगे आप ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या जिसको कहते हैं ऑफिस कॉस्ट ये आ गया ठीक है अब सपोज करिए आपके स्टोर में कुछ फिनिश गुड पहले से रखे हुए हैं पिछले साल के कुछ स्टॉक हैं जो अनसोल्ड अभी बचे हुए हैं अगर वो भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा जो भी ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड का आप उसको ऐड करेंगे और जो क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड का उसको माइनस करेंगे तब जाके आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि जितने भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनाए गए हैं ठीक है ऐसा तो जनरली नहीं होता है कि सारा का सारा प्रोडक्ट बिक जाए ठीक है तो जो गुड सोल्ड हुए हैं उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप पहले निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे जो भी ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड का उसको प्लस करेंगे और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको माइनस करेंगे ठीक है तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड राइट right? और अगर कोई भी फिनिश गुड के बारे में डेटा नहीं दिया है क्वेश्चन में तो कोई टेंशन नहीं लेनी है इस स्टेज को आप स्किप कर देंगे सीधे आप ऑफिस कॉस्ट के बाद उसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है बट अगर क्वेश्चन में दिया है फिनिश गुड के बारे में ओपनिंग और क्लोजिंग तो आपको ओपनिंग जो स्टॉक है उसको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे दिया है ओपनिंग को ऐड करना पड़ेगा और क्लोजिंग को माइनस करना पड़ेगा तब जाके आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड ठीक है फिर आखिरी स्टेज क्या है आप अब इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ठीक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट राइट और फिर जब टोटल कॉस्ट आ गई तब अब कंपनी क्या करती है उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ती है और तब आती है सेल्स यही है ठीक है या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टोटल कॉस्ट है इसको फिर कंपनी अपने सेल से कंपेयर करती है और फिर निकल के आता है प्रॉफिट ठीक तो, है तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट ये सिंपल सा फॉर्मेट है का आपने देखा बहुत सिंपल है एक सिस्टमैटिक वे में हमने जितने भी खर्चे हैं उनको रिकॉर्ड किया सबसे पहले हमने डायरेक्ट मटेरियल रिकॉर्ड किया उसके बाद डायरेक्ट लेबर रिकॉर्ड किया उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो हमारा क्या आ गया Prime cost आ गए. प्राइम कॉस्ट आ गई ठीक है फिर प्राइम कॉस्ट में हमने क्या जोड़ा जल्दी से देखिए बताइए प्राइम कॉस्ट में हमने जोड़ा फैक्ट्री ओवरहेड तो हमारा क्या आ गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई जैसे ग्रॉस वर्क कॉस्ट भी कहते हैं फिर अगर वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में दिया है तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग को माइनस करेंगे ठीक है तो हमारा क्या आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट ये मैं जल्दी से रिवाइज करवा रही हूँ ठीक है आ गया हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट ठीक है अब अगला स्टेज क्या है अब फैक्ट्री के बाद आता है ऑफिस ना तो अब इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड ठीक है फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर सॉरी ऑफिस ओवरहेड इसलिए मैंने वो लिखा है ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑफिस कॉस्ट ठीक है अब इसके बाद अगर फिनिश गुड के बारे में डेटा दिया है क्वेश्चन में तो आपको क्या करना पड़ेगा जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है इसको आप जोड़ेंगे और जो क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड का ठीक है इसे सब करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड जो सामान बिका है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा फिर आप इसमें क्या ऐड करेंगे देखिए फैक्ट्री हो गया ऑफिस हो गया अब हम आएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे सामान बिकता है तो उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे और फिर आपका फाइनली आ जाएगा टोटल कॉस्ट ठीक है फिर टोटल कॉस्ट को टोटल सेल से कंपेयर करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट ठीक है तो इस तरीके से कॉस्ट शीट बनाई जाती है बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है ठीक है एग्जाम में आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी

तो ये तब तक आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए इसको समझ लीजिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ठीक है तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ थैंक यू एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर गॉड ब्लेस यू सी इन नेक्स्ट लेक्चर